इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्ट्स, रील्स, इसमें एक नशा है जिसको हम हर रोज करते हैं। सुबह से लेकर रात तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हम सब इस नशा के शिकार हैं। और इससे मिलने वाला सुकून जो ना मिलने पर हमारी तड़प एक सबसे बड़ा रीजन है। और इस तड़प को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी रेगुलर नॉर्मल आदत, ओपन एंड स्क्रोल एंड स्क्रोल एंड रिपीट। और ये तब तक किया जाता है जब तक वो एक पोस्ट या फिर रील नहीं मिलती जो आपके माइंड को खुश कर दे, वो भी सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर। और उसके बाद आप निकल पड़ते हो किसी और पोस्ट या फिर रील की तरफ और ये सिलसिला चलता ही रहता है। और जिस सोच के साथ आपने 5-10 मिनट के वादे के साथ इंस्टाग्राम खोला होता है, वो आपके 30 मिनट से लेकर 1.5-2 घंटे खा जाता है। और आपको मिलता क्या है? स्क्रोलिंग के बीच बीच में थोड़ा वैल्यूएबल कॉन्टेंट और बाकी डोपामिन से भरी चीज़ें। और इन चीज़ों में आप अलग अलग फील करते हो, जैसे कि एक तरफ करियर को लेकर आप सीरियस हो जाते हो तो दूसरी तरफ आपको लगता है कि थोड़ा घूमना फिरना, चिल करना भी ज़रूरी है। और उस वक्त आप ये सोचने लगते हो कि क्या क्या करूँ मैं, सब कुछ तो करना चाहता हूँ लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। नहीं होगा दोस्त, पहले इसको बंद कर दे। तो इसी तरह से ईज ऑफ एक्सेस, उससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स जो डोपामिन रिलीज करते हैं, एंड उसके कंटिन्यूस यूज से होने वाला एडिक्शन, यही है ट्रैप जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेकर भी आपको बहुत कुछ कम देता है, एक एडिशनल टाइम वेस्टेज के रिग्रेट के साथ। ऐसे होती है आपके साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़। लेकिन आपके साथ ये खिलवाड़ कर कौन रहा है? तो ये वही एल्गोरिदम्स है जो आपको यूट्यूब पर सिमिलरली डोमिनेट करते हैं। जिस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, सिमिलरली उसी तरीके का कंटेंट बार बार फीड करना, क्रिएटर्स का आपके साइकोलॉजी को स्टडी करके कंटेंट बनाना, और इंस्टाग्राम का आपको वही कंटेंट बार बार खिला दे रहना, इसके बीच में आप बन जाते हो एक कठपुतले। लेकिन बस, आज से हम करेंगे इंस्टाग्राम को डोमिनेट। इस ट्रैप से बचने के लिए आप ये जरूर कर सकते हो, कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पर खुद के बेनिफिट्स वाली चीजें सर्च करो ताकि आपको वही फीड में मिल जाए। दूसरा, इंस्टाग्राम पर नॉर्मल टाइम से थोड़ा ज्यादा ही टाइम वेस्ट होगा इसी सोच के साथ ओपन करो। इसलिए ओपन तभी करो जब आप टाइम के वेस्टेज को अफोर्ड कर सकते हो, या फिर सीधा एप्लीकेशन को ही डिलीट कर दो और हर बार ब्राउजर से ओपन किया करो ताकि आपका ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाए, जिसके चलते आप उसे ओपन ही नहीं करोगे। अगर आपके पास कोई अदर ट्रिक्स है तो कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।